हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपडेट्स मिलते रहें। सो, आज के मार्केट राउंडअप की शुरुआत करते हैं। सो, कल मार्केट अपने वीक क्लोज के बाद आज स्ट्रॉन्ग में ही ओपन हुई और एट द एंड ऑफ द डे आज स्ट्रॉन्ग में ही क्लोज हुई। निफ्टी अराउंड 0.82% की स्ट्रॉन्ग के साथ बंद हुई। हालांकि निफ्टी ये 17,800 के लेवल के नीचे ही रही एंड निफ्टी को रिलायंस इंडस्ट्री एंड निफ्टी बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया। रिलायंस इंडस्ट्री अराउंड 1.6% के लेवल पर बंद हुई एंड निफ्टी बैंक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद 0.52% की स्ट्रॉन्ग के साथ बंद हुई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आज रेपो एंड रिवर्स रेपो दोनों ही अनचेंज रहे, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक में थोड़ा सपोर्ट मिला। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में भी आज हमने रैली देखी एंड ये अपने कंटिन्यू रैली पर ही बने रहे एंड निफ्टी स्मॉल कैप में अराउंड 0.39% की हमने स्ट्रेंथ देखी और निफ्टी मिड कैप में अराउंड 0.94% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ। अगर थोड़ा सेक्टोरल इंडाइसिस की तरफ चलें तो मोस्टली सेक्टोरल इंडाइसिस अपने हाई पर ही क्लोज हुए हैं एंड निफ्टी आईटी को छोड़कर सभी इंडेक्स में मजबूती के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। निफ्टी आईटी अराउंड 0.08% की वीकनेस के साथ देखा गया। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अगर थोड़ा ग्लोबल मार्केट का व्यू लें तो ग्लोबल मार्केट में भी आज हमने काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट देखा एंड एशियन मार्केट अपने आज स्ट्रॉन्ग पर ही क्लोज हुई। निके अराउंड 0.36% की स्ट्रॉन्ग के साथ देखा गया। यूरोपियन मार्केट में भी रैली बरकरार है एंड अमेरिकन मार्केट भी कल अपने स्ट्रॉन्ग पर ही क्लोज हुई। ग्लोबल मार्केट के अलावा अगर थोड़ा कमोडिटीज़ के तरफ चलें तो ब्रेंट ऑयल के प्राइस थोड़ा फिर से कूल डाउन हुए हैं और अब $101 पर बैरल पर ट्रेड हो रहे हैं। सो, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और अगर आपको हमारी वीडियो से कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अनदर अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।